9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। तो पहले हम मिरर्स की प्रॉपर्टी समझ लें, देन आफ्टर ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पास प्रॉपर्टी है मिरर्स की तो समझ जाइए इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं मिरर्स की प्रॉपर्टी में। जब हमारे पास प्लेन मिरर्स हो, ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपको याद होगा, आप इसे लास्ट प्रीवियस क्लासेस से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। तो लाइट मिरर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि व्हेन इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट रे यानी सनलाइट से जब रेज क्या होती है किसी सरफेस से बाउंस होती है, टकराती है, उसके बाद वो रिटर्न होती है, देन रिफ्लेक्टेड। तो जब वो रिटर्न होती है तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट होती है उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन किस कंडीशन पे, जब आपका सरफेस प्लेन हो, याद रखिएगा, जब आपका सरफेस प्लेन हो यानी प्लेन मिरर हो, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका डेंसर हो, रेयर ना हो, क्योंकि अगर रेयर हुआ तो आपकी इंसिडेंट रे इसे पास थ्रू कर जाएगी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हो गया द इंसिडेंट रे लाइट दैट लैंड ऑन द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि अगर ये 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुई तो श्योर है कि ये 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन किस कंडीशन में, जब आपका सरफेस प्लेन हो, प्लेन मतलब एक एग्जैक्ट सरफेस इक्वल हो, ठीक है, कहीं पे जिगजैग ना हो, एकदम प्लेन हो। प्लेन मतलब जैसे ये पेज हो गया, एक प्लेन पेज है, इसी तरह अगर हम इसमें, या फिर आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उसे आप एक वॉल को देख रहे होंगे, श्योर है कि आपके अगल बगल ज़रूर होगा वॉल। वॉल में क्या हो, जब हम बॉल कैच करते हैं, टेनिस की बॉल या कोई भी प्लास्टिक की बॉल सामने जब फेंकते हैं, मान लीजिए यही आपका वॉल है, यहाँ पे फेंकेंगे तो हमारे हाथ पे ही आता है वो बॉल, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टैंड हो कि यहाँ पे फेंकें बॉल को, तो बॉल यहाँ से टकराने के बाद इधर आएगी, तो आपका वॉल जो है वो सरफेस है, क्लियर। वैसे ही लाइट भी बाउंस करती है, जब रेस सन की लाइट जब आती है, जितने भी, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि एक ही रेज आए, बहुत सारी रेज आते हैं, जितनी रेज आएंगी उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होंगी, उतनी ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होते जाएंगी। तो ये साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं तो बहुत आसान होगा आपके लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ, ये हुआ आपका इंसिडेंट रे, क्या हुआ इंसिडेंट रे, और ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्यों आप बता रहे हैं, तो आप गौर से देखिए, एक ये देखिए आपके प्लेन सरफेस हो गया, ये भी प्लेन सरफेस, ये आपका बाउंस हो रहा है रेस, देखिए रे अंदर की ओर जा रही है, यहाँ से रिटर्न हो, श्योर है कि यहाँ का जो एंगल होगा वो एंगल इक्वल होगा, जैसे हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, सिंपल। अब इसे अगर हम और बेसिकली क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे रेस कर दिए, तो एक और यहाँ पे डायग्राम क्लियर कर लें। जब इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पे ये आती है और यहाँ से जब रिटर्न होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होती है, एक नॉर्मल के ऊपर होती है, एट नॉर्मल की, क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टी ही तो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ओनली टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ये सिंपल। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इन अ सरफेस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट आर ऑन द सेम प्लेन, सिंपल, दो ही तो प्रॉपर्टी हैं। तो ये सब कहाँ पे हैं, एक पॉइंट पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पास नॉर्मल नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्लियर। तो ये हुआ आपका इंसिडेंट रे आई, और ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे आर, और ये दोनों क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये तो आपके सामने ही है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, सिंपल। तो ये नॉर्मल, अब देखिए यहाँ, अब आते हैं इसमें, इसे हमें इक्वल करना है। अब यहाँ पे है पैरलर, अब पैरलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें तो पैरलर भी शो करना है भाई, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये पैरलर है, सिर्फ इतना बताइए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना एक्सप्लेन करिए, आप कैसे इसे बोल पाएंगे कि पैरलर है, दिख तो रहा है लेकिन आप ऐसे थोड़ी बोल देंगे, मैथ है,
ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि पैरलर है। तो पैरलर के डिफिनेशन करने के लिए हमें एक यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी कहीं से भी, ठीक है। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ तो समझ जाइए पैरलर है, सिंपल। आप इसे प्रूव कर दीजिए ना, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, अगर आपने ये प्रूव कर दिया सो बोथ्स लाइन आर पैरलर, सिंपल। या तो फिर को इंटीरियर एंगल आप बता दीजिए, ये दोनों को ऐड करके 180 हो जाए, क्लियर। मतलब आप पैरलर की कोई भी आइडेंटिटी दे दीजिए ना, तो अगर ये दोनों लाइन, ये आपका ए है और ये बी और ये सी और ये डी, अगर ये दोनों पैरलर हैं तो हमें क्या करना है, ये एंगल के इक्वल कर दीजिए, सिंपल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा हमारे पास और तो कुछ है नहीं, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल, तभी तो हम ये बता पाएंगे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे भी आप एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर लीजिए, ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ, क्लियर। हमने इसे लेट किया है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे, फर्स्ट ड्रा टू लाइन्स बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ, किस कंडीशन पे, सच दैट बी ई यहाँ पे आपका एक नॉर्मल पॉइंट हो जाएगा और सी एफ जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि भाई नॉर्मल है मतलब 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सच दैट बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सेकेंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन आर एस, सी एफ परपेंडिकुलर ऑन आर एस। चलिए ये फर्स्ट हो गया, आगे देखते हैं। अब हम ऑलरेडी जानते हैं, ये देखिए आपके सामने प्रॉपर्टी है, तो आप राइट करिए, वी नो दैट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, जैसे हमने आपसे बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ, I इज़ इक्वल टू एंगल R, अगर आप साइंस के लैंग्वेज में चलें तो। चलिए इसी तरह हम यहाँ पे भी राइट कर लें मैथमेटिक्स में, तो इसे हम 1 और 2, IR को 1 2 नेम दे देते हैं, तो यहाँ पे भी एंगल दे देते हैं 3 और इसे दे देते हैं 4, सिंपल। तो हम यहाँ पे राइट क्या कर सकते हैं, अगर हम इस साइड देखिए, यही पिक्चर्स को अपोजिट डायरेक्शन देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए फर्स्ट आपकी रे ये अंदर जा रही है और यहाँ से रिटर्न होकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रही है, और जब यहाँ आ रही है तो ये इंसिडेंट हो जाएगा, भाई ये रिफ्लेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो ये रिफ्लेक्ट हुआ। अगर हम इसे पूरा क्लोज कर दें तो इंसिडेंट हुआ ना, इधर जाके ये रिफ्लेक्ट हुआ, सिंपल सी बात है। अब ये आगे जाने के बाद फिर ये इंसिडेंट हो गया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, क्लियर। तो ये आई हुआ, ये आर, चलिए हम राइट भी कर देते हैं, ये आपका आई हुआ इंसिडेंट और ये आपका रिफ्लेक्ट हुआ, और जब ये इस साइड आ रही है तो ये आपका इंसिडेंट हो गया, ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया, ये सब इक्वल होंगे, नो डाउट। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, क्लियर, कोई डाउट, क्लियर। अब यहाँ देखिए एंगल थ्री एंड एंगल आर भी इक्वल होगा, एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरलर। अब पी क्यू और आर एस क्या है, पैरलर, हमें तो ये प्रूव करना है ना ए बी और सी डी, लेकिन हमें पी क्यू और आर एस तो पैरलर दिया है, चलिए ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसवर्सल की, चलिए ये भी है, तो इसमें ट्रांसवर्सल देखिए ना, बी और सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, नहीं है तो ट्रांसवर्सल अगर यहाँ पॉइंट है तो ये नहीं कि कोई स्टॉप है, आप इसे आगे तक कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसवर्सल को आप आगे तक भी करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं यही डायग्राम को यहाँ पे भी बनाते हैं फिर से, और ये देखिए आपका ट्रांसवर्सल है बी सी, हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया बी सी को, क्लियर। तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा नहीं होगा, भाई ये दो तो पैरलर हैं, हमें ये प्रूव करना अलग मैटर है, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया सिर्फ ये इसे हमें इक्वल करना, जैसे इक्वल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पैरलर में ये अल्टरनेट इंटीरियर, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्टरनेट के लिए तो हमें ये कॉर्नर से आना पड़ेगा ना, ये जगह से,
अब ये चेक कैसे आएंगे तो बहुत सारी दिक्कत होंगी, फिर ये भी एंगल को हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर इसका अगर हम अल्टरनेट बनाएं तो फिर ये पूरा आएगा, ये भी आपका आ जाएगा, तो क्यों ना हम इसे कट कर दें, बी ई तक ही ले लें, इधर हम सी एफ तक ही ले लें, मतलब ये आपका ट्रांसवर्सल तो है, और इसे ऐसे क्लोज कर दें। गौर से देखिए, जितना हमारा फिंगर आपको दिख रहा है सिर्फ उतना देखिए, ट्रांसवर्सल है तो आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, टू दिख रहा है, टू ओनली टू, इधर देखिए थ्री दिख रहा है, दिख रहा है, सिंपल सी बात है बस। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट राइट करना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट क्या है ध्यान से देखिएगा। हियर फर्स्ट आप लिखिए, हियर बी ई परपेंडिकुलर ऑन सी एफ, गौर से देखिए, बी ई परपेंडिकुलर ऑन सी एफ, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर जो हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन किसके हैं, बी सी के हैं, तो बोथ परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, बोथ परपेंडिकुलर ऑन किस पे हैं, ये यहाँ पे एंड कर लीजिए आप तो ज़्यादा बेस्ट होगा, फिर आपको ये राइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिए, अब लिख दिए हैं तो इसे राइट कर लेते हैं, बी ई एंड सी एफ, तो बी ई जो है वो पी क्यू पे है, आर एस, ये हो गया आपका पी क्यू एंड आर एस, क्लियर। चलिए ये तो हो गया, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो ट्रांसवर्सल बताना है, ट्रांसवर्सल क्या है, बी सी, लेकिन कट हम क्या करेंगे, ये हिस्से को, तो आप यहाँ पर राइट करिए, एंड द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन बी सी कट्स देम, हम राइट कर दें, देन आफ्टर आपको दिखाई देते हैं, एट बी एंड सी, बी एंड सी, क्लियर। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन तो आपको क्लियर दिख रहा है बी सी, एट बी एंड सी, तो कहाँ पे हम कट कर रहे हैं, बी पे कट कर रहे हैं और सी पे कट कर रहे हैं, क्लियर। अब ये कट करने के बाद हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंगल टू, सो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री हो गया, अब हमें क्या प्रूव करना है, जो हम पहले से आपको, अब चलिए अब ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, तो देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये मिरर्स प्रॉपर्टी है, तो इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन में जो आपको पसंद है उसे आप ले लीजिए, जो भी फर्स्ट आपको लेना है फर्स्ट ले लीजिए, सेकेंड इक्वेशन लेना सेकेंड ले लीजिए। चलिए हम फर्स्ट पर ही फोकस करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, क्लियर। अब आप इसमें हमें आंसर क्या चाहिए, क्योंकि एंगल वन और एंगल टू को ऐड करके एंगल थ्री इक्वल टू एंगल, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल करके हमें ये बताना है ना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाए, ये दोनों को ऐड करके बताना है ना, तभी ना ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा। भाई ये लाइन इसके पैरलर है, ये ए बी है ना, और ये क्या है सी डी, ये कैसे पैरलर होगा, जब हम इसमें से कोई एक ट्रांसवर्सल ले लें और इसका टोटल कॉर्नर इस कॉर्नर के इक्वल हो, तो टोटल कॉर्नर तभी होगा ना जब हम एंगल वन प्लस एंगल टू बोलें, ये टोटल कॉर्नर तभी होगा ना जब हम एंगल थ्री प्लस एंगल फोर बोलें, सिंपल। तो हमें तो यहाँ पे एंगल वन प्लस एंगल टू चाहिए ना, तो देखिए इधर हमें क्या चाहिए, टू चाहिए, इधर क्या चाहिए हमें, थ्री प्लस फोर चाहिए, तो आप एक काम करें, एडिंग एंगल टू ऑन बोथ साइड, या तो फिर आप इतना लॉन्ग नहीं करना चाहते, देखिए हम यहाँ पे अगर करेंगे तो फोर और फाइव लाइंस एबव हो जाएंगे, तो अगर इतना भी नहीं करना चाहते तो हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने अभी ऑब्जर्व किया कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री हमने ऑलरेडी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर दिया, देखिए एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, ये हो गया एंगल टू एंगल थ्री, तो श्योर है कि एंगल वन एंगल फोर के इक्वल होगा, नो डाउट, तो आप यही राइट कर लीजिए, आपको यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर होगा, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है, अगर हम इस साइड से देखेंगे तो,
तो यहां पे आप सिर्फ वन लाइन बस लिख दीजिए सिमिलरली, क्योंकि अगर हम इसका भी स्टेटमेंट राइट करेंगे तो फिर से हमें राइट करना पड़ेगा इन सेकंड साइन कट। तो सिमिलरली एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर। अब यहां पे आप इक्वेशन कर लीजिए फर्स्ट और इसे कर लीजिए आप सेकंड, अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसे फर्स्ट और सेकंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी इक्वल था, ठीक है। अब इसे आप ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल वन ये आपको फर्स्ट है, एंगल टू प्लस एंगल वन मीन्स एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू थ्री और फोर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो एंगल वन और एंगल टू को ऐड करें तो ए बी सी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख दीजिए और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर को अगर गौर से देखें तो बी, ये आपका थ्री और फोर, बी सी डी। तो यहाँ पे आप कर दीजिए एंगल बी सी डी। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये एंगल अगर इसके एंगल इक्वल है तो ये मतलब आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पैरलर, ए बी पैरलर सी डी। जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर ये एंगल इसके इक्वल है इस जेड का, भाई जेड है आप ये जेड ही तो है, ये आप जेड बना लीजिए एक लॉन्ग सा, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो श्योर है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपकी जो यहाँ से गई है, और ये आपका पैरलर हुआ, ये क्या हो गया पैरलर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप शो कर दीजिए, सो ए बी पैरलर सी डी, किस रीजन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड, क्लियर।